स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, कमेंट और शेयर भी कीजिए। आज मैं आपको ये पीकॉट से बाइंड ऑफ कैसे करते हैं, ये मैं कॉलर को आपको बाइंड ऑफ करके दिखाऊंगी। ये मैंने कॉलर बनाया है कार्डिगन का, इसे हम बाइंडिंग करेंगे, इसकी पीकॉट से हम बाइंडिंग करेंगे। देखिए कैसे किया जाता है इसे। ये एक फंदा हमने सीधा ही बनाना है, ये देखिए एक फंदा हमने सीधा बनाया ऐसे, और दूसरा फंदा हमने बनाना नहीं है। ये दो फंदों के बीच से ऐसे एक स्टिच हमने निकालना है, ये देखिए ऐसे एक स्टिच निकाल करके इसी सिलाई में इस स्टिच को ऐसे डाल देंगे और दो फंदों के बीच में से फिर से एक स्टिच निकालेंगे और इस स्टिच को हमने यहाँ पे फिर से इसी सिलाई में लेना है, फिर से इन दो फंदों के बीच में फिर से एक स्टिच निकालेंगे और इस सिलाई में हम ले लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4, एक बार फिर से हम 5 स्टिच बना लेंगे। हम यहीं से हम वापस ये जो फंदा हमने नया बनाया है इसके बीच में से हम फिर से एक स्टिच बनाएंगे ऐसे और इसी सिलाई में दोबारा से हम उतार लेंगे। ये 5 स्टिच हमारे पास बन गए। अब हमने बाइंड ऑफ इन 5 को कैसे करना है, ये देखिए ये एक फंदा हमने बना लेना है और ये जो पहला बनाया हुआ फंदा है इसको इसके ऊपर से उतार देना है। फिर से इन 5 को ऐसे ही बारी बारी से हमने एक एक करके बनाना है और पीछे वाले को आगे वाले में से उतार देना है ऐसे। ये देखिए ये 4 और ये हमारा 5। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये पीकॉट बाइंडिंग मैं इस कॉलर की इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके मैंने बॉर्डर पे ये पीकॉट वाला डिज़ाइन ही डाला है। ये देखिए ये मैंने आपको वीडियो में अपनी बनाना दिखाया है बना के। आगे देखिए ये एक फंदा हमने ऐसे ही बना लेना है और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है। आगे फिर से वही रिपीट करना है, इन दोनों फंदों के बीच में से हमने ऐसे सिलाई को निकालना है और एक फंदा बनाया, फिर इन दोनों के बीच में से सिलाई को निकालना है ऐसे, फिर दूसरा फंदा बनाना है। ये हमारे पास 3 हो गए। फिर से ऐसे ही करके हम 5 फंदे यहाँ पे हमें बनाने हैं। इसके बीच में से ऐसे निकालना है फंदे को। इस सिलाई में ले लेना है। देखिए हमारे पास 1 2 3 4 स्टिच हुए हैं। 1 2 3 4 5 स्टिच बन गए। अभी इस स्टिच को हमने ऐसे बना लेना है सीधा, जैसे हम सीधी सिलाई करते हैं, और इस स्टिच को पीछे वाले को इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है, फिर एक स्टिच बनाना है। ये 5 स्टिच जो है हमारे, इन्हें हमने ऐसे ही बाइंड ऑफ करना है। एक स्टिच बनाया, दूसरे को उसके ऊपर से उतार देना है, दूसरा स्टिच बनाया, पीछे वाले को इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है। ये लास्ट है हमारे पास, इसको इसके ऊपर से उतार करके एक स्टिच और बना करके हमें
ये लास्ट वाला जो स्टिच है इसको भी इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है, फिर से वही रिपीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसे इस बॉर्डर को आप अपनी फ्रॉक पे जहाँ पे हमारा एंड होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, वहाँ पे इसे आप बना सकते हैं। एक फंदा यहाँ से लिया और इसको इस सिलाई में लेकर के दूसरा फंदा इन दो फंदों के बीच में से हमने लेना है, और ये नया वाला फंदा इसी सिलाई में लेना है, और इसके बीच में से इन दोनों के बीच में से हमें एक फंदा बनाना है, फिर से इसी सिलाई में लेना है, इन दो फंदों के बीच में से फिर से एक फंदा बनाना है, और इसी सिलाई में हमें इसको ले लेना है। जब हमारे पांच स्टिच बन जाएं तब हमने इन्हें बाइंड ऑफ करना है। जो पहला स्टिच है हमारा, यहाँ से इसको हमने बनाना है, और जो पीछे वाला स्टिच है इसको इसके ऊपर से निकाल देना है। इसे ये एक और बनाया और पीछे वाले को इसके ऊपर से निकालना है। ये पांच स्टिच ऐसे ही करके एक एक करके हमने बाइंड ऑफ कर लेने हैं। ये देखिए ऐसे हो गए। अब हमने एक स्टिच और बनाना है और इसको लास्ट वाले को इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है। फिर से दोनों स्टिचेस के बीच में से हमने एक फंदा बनाया और इसको इस सिलाई में उतार देना है। दूसरा इन दोनों के बीच में से एक स्टिच बनाना है, इसको इस सिलाई में उतार देना है। फिर से एक स्टिच बनाना है, इसको इस सिलाई में उतार देना है। फिर से एक स्टिच बनाना है, इसको फिर से इसी सिलाई में उतार करके अब लास्ट वाला जो फाइव स्टिच है हमारा है, पांचवा स्टिच है जो हमारा, उसे हमने बना लेना है, और जो पहला बनाया हुआ फंदा है उसको इसके ऊपर से उतार देना है। ऐसे फिर से एक बनाया, फिर से इसको इसके ऊपर से उतारना है, फिर से एक बनाना है, फिर इसको इसके ऊपर से उतारना है, फिर से एक बनाया, इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है। ये लास्ट हमारा स्टिच है, इसको भी बना लेंगे और इसको इसके ऊपर से, पीछे वाले को इसके ऊपर से निकाल लेंगे, और एक स्टिच अभी हमें और बना करके नया वाला इस वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से ऐसे उतार देना। ये देखिए ऐसे बनेगा। ये एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। देखिए एक स्टिच हमने बना लिया और यहाँ से एक स्टिच निकाला, इस सिलाई में लेकर के इन दोनों स्टिचेस के बीच में से हमने एक स्टिच और बनाना है। ये देखिए ऐसे इसको भी इस सिलाई में लेते हैं और इसको एक इसमें से और स्टिच निकालेंगे, इसको भी इस सिलाई में लेंगे, इन दोनों स्टिचेस में से एक और स्टिच निकालेंगे और इसको भी इसी सिलाई में हम ले लेंगे, और लास्ट वाला जो स्टिच हमारा पांचवा स्टिच है इसे हम बनाएंगे, और ये जो पहले वाला स्टिच है इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। ऐसे ये पांचों स्टिच एक एक करके हमने यहाँ पे ऐसे एक बनाया और इसके ऊपर से उतार देना है पीछे वाले को, फिर से एक बनाया, इसको इसके ऊपर से उतार देना है, फिर से एक बनाया, इसको इसके ऊपर से उतार देना है, फिर से एक सीधा बनाना है नया वाला, और इस वाले स्टिच को हमने इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है। फिर से आगे ये देखिए ऐसे एक बनाया, इसको इस सिलाई में लेकर के इन दोनों स्टिचेस के बीच में से हमें एक स्टिच और लेना है और इसको भी इसी सिलाई में उतार लेना है, फिर से बीच में से एक स्टिच लेना है, इसको भी इस सिलाई में उतार लेना है, फिर से दोनों के बीच में से एक स्टिच बनाना है, इसको भी इसी सिलाई में उतार लेना है, और लास्ट वाले स्टिच को आप ऐसे बना करके सीधा बनाना है और पीछे वाले को इसके ऊपर से निकाल देना है।
फिर से एक बनाना है, फिर से पीछे वाले को इसके ऊपर से उतार देना है, फिर से एक बनाना है, पीछे वाले को इसके ऊपर से उतार देना है। ऐसे ही करके हमने ये जो चार स्टिच एक में से चार स्टिच बनाए थे वो पांचों स्टिच लेकर के हमने ऐसे बाइंड ऑफ कर देने हैं। ऐसे ही करके आप ये सारा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ये देखिए ऐसे बनेगा ये। आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपने बच्चों की फ्रॉक पे या कार्डिगन पे, जब हमारा जैसे हमारी कार्डिगन जो गले से स्टार्ट होती है नीचे की तरफ जाती है, अगर हम नीचे की तरफ से भी जो बॉर्डर बनाएंगे बंद करेंगे इसको, तो ऐसा हम ऐसा बना सकते हैं और अपनी फ्रॉक्स पे भी बना सकते हैं, बच्चे की फ्रॉक पे भी बना सकते हैं, ऐसा बाइंड कर सकते हैं नीचे से। तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देगा ये बन करके। थैंक यू।